दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक के सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत को वोट बैंक की राजनीति के विनाश का परिचायक करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करेगी। श्री मोदी ने अपने सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हमने दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर यात्रा शुरू की और 6ठे स्थान पर पहुंच गए, 5वें स्थान पर पहुंचने वाले हैं, जबकि लक्ष्य तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 एवं 2019 के लोकसभा एवं 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली भाजपा की जीत को हैट्रिक बताते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा के दो और विधानसभा के एक चुनाव परिणामों ने राजनीतिक पंडितों के गुणा भाग को गलत साबित किया है। जनता ने भाजपा की सबका साथ सबका विकास की राजनीति को समझते हुए वोट के माध्यम से यह साबित कर दिया कि सामाजिक केमिस्ट्री गुणा भाग से ऊपर होती है। उत्तर प्रदेश और देश के सामान्य आदमी ने राजनीतिक पंडितों के गुणा भाग को उलट पुलट कर यह साबित किया। अनपढ़ व्यक्ति भी राजनीतिक पंडितों से कहीं अधिक सामाजिक समझ सकता है। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा कि देश ने भले ही उन्हें प्रधानमंत्री चुना है, लेकिन काशी वासियों के लिए वह एक कार्यकर्ता मात्र हैं और इसी भाव के साथ वह आगे भी काम करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री के नामांकन के पहले रोड शो में मिले जन समर्थन से ही हो गया था जीत का अंदाजा। उत्तर प्रदेश में जात पात की राजनीति हुई खत्म। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी में ऐतिहासिक जीत मिलने पर कार्यकर्ताओं के साथ नागरिकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि काशी में प्रधानमंत्री के नामांकन के पहले रोड शो में मिले जन समर्थन में ही इस जीत का अंदाजा हो गया था। लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आए शाह बडाललपुर स्थित संकुल में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शाह ने कहा कि पूरे देश में शायद ही ऐसा कोई चुनाव हुआ होगा जब प्रत्याशी आम जन के मन की बात सुनकर नामांकन के बाद मतदाताओं पर भरोसा कर चुनाव प्रचार के लिए ना आया हो। आपने मोदी पर भरोसा करके देश को एक नई दिशा दी है। श्री शाह ने कहा कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र काफी सौभाग्यशाली है जिसे नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला। सौभाग्यशाली इस मामले में कि आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना, बल्कि ऐसा जनप्रतिनिधि चुना है जो कार्य और चुनौतियों को सांगोपांग के रूप में लेता हो। शाह ने प्रधानमंत्री के गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में और एक विधायक के रूप में कार्य को कार्यकर्ताओं के सामने करीने से रख वहां के विकास को बताया। उन्होंने भरोसा दिया कि अब इस क्षेत्र में 5 साल फिर विकास की बयार बहेगी। शाह ने कहा कि काशी विश्व की पुरातन नगरी है, यहाँ के संस्कार परंपरा ज्ञान की ऊंचाई को सजोकर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के विकास की नई इबादत लिखी। प्रधानमंत्री ने पहले के कार्यकाल में काशी के विकास का उल्लेख कर शाह ने कहा कि यहाँ के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने खास योजना बनाई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, विपक्षी दल भ्रम फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद उभरी परिस्थितियों के बीच आज कहा है कि राज्य की कमलनाथ सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और कांग्रेस समेत सरकार को समर्थन देने वाले सभी विधायक हमारे साथ हैं। श्रीमती ओझा ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में कल यहाँ कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास जताया। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन जारी रखने की बात दोहराई है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार को पूर्ण बहुमत हासिल है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होने दिया जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि इस बार अलग होगा पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। जी हाँ दोस्तों, देशों को पहुंचेगा न्योता। लोकसभा चुनाव में मिले भारी जनादेश के बाद पीएम मोदी 30 मई को प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। पीएम मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक के सभी प्रमुख नेता शामिल हो सकते हैं। बता दें कि बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और भारत बिम्सटेक के सदस्य देश हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी अनुसार इस समारोह में शामिल होने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोनूनबाय जेनेब को और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को भी न्योता भेजा गया है। प्रविंद जगन्नाथ इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि थे। गौरतलब है कि 2014 में पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सार्क के सभी नेता को आमंत्रित किया था और वे इस समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार बिम्सटेक देशों के नेता इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति 30 मई को शाम 7 बजे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार 23 मई को आए और भाजपा को अकेले अपने दम पर 330 सीटों का भारी बहुमत हासिल हुआ। एनडीए के साथ उसकी सीटों का आंकड़ा 353 तक जा पहुंचा है। यह भी दिलचस्प है कि मोदी अपनी दूसरी पारी का आगाज भी गुरुवार को ही करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। हार के बाद आंतरिक कलह से जूझ रही गहलोत सरकार, मंत्री और विधायक बोले तय हो जवाब दे ही। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में आंतरिक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी जताए जाने के बाद राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने मांग की है कि इस हार के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने 25 मई को हुई CWUC की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और पी चिदंबरम के नामों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन नेताओं ने पार्टी से ज्यादा अपने बेटों को महत्व दिया और उन्हीं को जिताने में लग रहे हैं। दरअसल अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी की टिप्पणी पर अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी ने अगर कुछ कहा है, गलत हुआ है, तो वो उनका हक है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन अब गहलोत के कई मंत्री ही जवाबदेही तय करने और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राज्य की सभी 25 सीटों पर कांग्रेस को पराजित होना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कमरे में पड़ा मिला पूर्व सांसद का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनका शव खुर्जा स्थित उनके आवास पर एक कमरे पर पड़ा मिला। पुलिस क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह ने सोमवार को यहाँ ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री वाल्मीकि का शव उनके खुर्जा बुर्ज उस्मान ईदगाह रोड पर स्थित आवास में बरामद किया गया। उनकी मौत की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार कमलेश की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। हालांकि अभी पड़ताल की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। एक्टर रजनीकांत और कमल हासन को मिला पीएम के शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कार्यकाल में तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से रजनीकांत और कमल हासन को आमंत्रित किया गया है। अभिनेताओं से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। हासन की मक्कल निधि मय्यम पार्टी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया था और रजनीकांत ने दिसंबर 2017 में राजनीति में आने के बारे में की गई घोषणा को अभी तक रूप नहीं दिया है। दोनों ही अभिनेताओं से जुड़े करीबी सूत्रों ने गुरुवार को होने वाले मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रण मिलने की जानकारी दी, लेकिन अभिनेताओं के हिस्सा लेने के बारे में जानकारी नहीं दी। हासन ने भाजपा का विरोध करते हुए इस बात पर खुशी जताई थी कि भले ही भाजपा का प्रदर्शन देश भर में काफी बेहतरीन रहा हो, लेकिन वे तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य देश भर में चली लहर में प्रभावित नहीं हुआ। वहीं रजनीकांत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई की अपनी यात्रा के दौरान अतीत में मुलाकात कर चुके हैं। रजनीकांत ने दिसंबर 2017 में राजनीति में आने की घोषणा की थी और कहा था कि वह अपनी पार्टी बनाएंगे और 2021 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मोदी 30 मई को दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली बड़ी खबर की ओर। बेगूसराय में मुस्लिम युवक का नाम पूछकर मारी गई गोली, जांच में जुटी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में कथित रूप से एक मुस्लिम युवक को गोली मार दी गई है। इस घटना में मुस्लिम युवक घायल हो गया है। घायल युवक का आरोप है कि मुस्लिम होने के कारण उसे गोली मारी गई। पुलिस ने कहा कि जिले की चेरिया बरियारपुर थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस मामले में अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक गांव घूमकर सामान बेचने वाला फेरी वाला मोहम्मद कासिम रविवार को कुंभी गांव में सामान बेचने गया था। तभी राजीव यादव नामक एक व्यक्ति ने उसे रोका और नाम पूछकर उसे गोली मार दी। इस मामले का कासिम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कासिम कह रहा है, मुझे राजीव यादव ने रोका और उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो उसने मुझ पर गोली चला दी। कासिम वीडियो में यह कहते सुना जा रहा है कि यादव नशे में था। उन्होंने कथित तौर पर यादव को धक्का दिया और तब वह पिस्तौल में एक और गोली भरनी शुरू की तो वह भाग निकला। कासिम ने कहा कि गोली लगने से वह घायल हो गया और इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय के डीएसपी के मुताबिक एक शख्स पर गोली चलाने से पहले उसका नाम पूछा गया था। उसका नाम कासिम है और वो साबुन डिटर्जेंट आदि बेचता है। डिटर्जेंट की कीमत को लेकर कासिम और एक राजू के बीच झगड़ा हो गया था। राजू ने एक देसी पिस्तौल निकाली और उसे गोली मार दी। इसका इलाज चल रहा है, जांच भी चल रही है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में अपने राज्य अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे आपके राज्य और आपके शहर की हर न्यूज हम आप तक पहुंचा सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।